दोस्तों हाल ही में अक्षय का एक नया लुक सामने आया है जिसमें वो शिवाजी महाराज के गेटअप में दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने पब्लिक से और अपने फैंस से कुछ कहा है जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर उनकी फीलिंग्स इस लुक को लेकर क्या है। दरअसल दोस्तों ये मूवी मराठी फिल्म है और अक्षय कुमार की ये पहली मराठी फिल्म होने वाली है और उनके लुक को देखकर उनके फैंस काफी खुश है। वहीं पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के इस पर रिएक्शन भी आ रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में सुपरस्टार अजय देवगन ने अक्षय के इस लुक की तारीफ करते हुए अपना रिएक्शन दिया था, जिस पर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है। अगर आपको देखनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इस वीडियो के बाद आप उसे देख लेना। दोस्तों मराठी में मराठा के इतिहास पर पहले भी काफी फिल्में बन चुकी है, लेकिन इस फिल्म की खास बात ये है कि इसे एक या फिर दो नहीं बल्कि 7 मराठी वीरों पर बनाया जा रहा है और ऑडियंस इसीलिए भी एक्साइटेड है क्योंकि इसमें अक्षय कुमार छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में नजर आने वाले हैं और जो लोग अक्षय कुमार का इस मूवी से सामने आया है वो काफी अच्छा लग रहा है। अब क्योंकि 2022 की उनकी सारी फिल्में फ्लॉप गई है तो ये फिल्म हिट जाना उनके लिए बहुत जरूरी सा हो गया है, इसलिए अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए अक्षय सर ने लिखा, आज मराठी फिल्म वेडात मराठे वीर दौड़ले 7 की शूटिंग शुरू कर रहा हूँ, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी की भूमिका कर पाना मेरे लिए सौभाग्य है। मैं उनके जीवन से प्रेरणा लेकर और माँ जीजाऊ के आशीर्वाद से मेरा पूरा प्रयास करूंगा। और आखिर में उन्होंने लिखा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। दोस्तों कुछ इस तरह का पोस्ट लिख के अक्षय कुमार ने अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर की है। अब देखो यार, सच में अक्षय सर को उनके फैंस के सपोर्ट की जरूरत है और जिस तरह का उनका लुक है मुझे लगता है कि मूवी काफी हिट होगी और पब्लिक उन्हें सपोर्ट भी करेगी क्योंकि अब वो सोच समझ के रोल और फिल्म सिलेक्ट कर रहे हैं। वैसे आपको ये लुक कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, साथ ही में अजय देवगन ने अक्षय के इस लुक के बारे में क्या कहा, अगर आपको ये जानना है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर करना।